यानी हमारी काशी में सब लोग आ सकते हैं, ऊंची ऊंची मीनारें बना सकते हैं, मीनारों से चिल्ला सकते हैं, तो भी हम पर आवाज, तब भी हम पर आरोप लगते हैं। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और इसलिए बंधुओं आप सबका मैं आह्वान करूंगा। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। बहुत दिन चलेगा नहीं ये, उन सब का सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है, और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। जी वो कह रहे थे कि 98 करोड़ से हम निपट लेंगे, ये तो बहुत बार निपटे हैं। मैं कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशधार रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलानाओं याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए कहीं बर्तन मांजते नहीं दिखाई दोगे, इसके अलावा कोई ठोर ठिकाना नहीं बचेगा। तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक आत्मा सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। इन सऊदी अरब में मक्का मदीना में कोई दूसरा नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता, कोई दूसरा गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। लेकिन काशी हिंदुओं की सांस्कृतिक राजधानी है, धार्मिक नगरी है, काशी के अंदर सब लोग आ सकते हैं। अब उदार कौन है, और दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत और मजहब है जिसे विपरीत परिस्थितियों में, उसके विपन्न दिनों में, इस सनातन हिंदू धर्म ने शरण न दी हो, उसको अपनी छान प्रदान की हो, कौन सा दुनिया के अंदर ऐसा है। लेकिन आज एक साजिश के तहत, सनातन हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश के तहत जो लोग कार्य कर रहे हैं, वे इस प्रकार का आक्षेप सनातन हिंदू धर्मावलंबियों पर लगा करके पूरे की पूरी दुनिया के अंदर हमारी एक दूसरी छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। कोई बता तो दे, दुनिया के अंदर इतना बड़ा बहुसंख्यक समाज होने के बावजूद, चाहे वह मुसलमान और ईसाइयों की सुरक्षा की गारंटी हो, मैं कहता हूं भारत के मौलानाओं से और भारत के पादरियों से भी, आज आईएसआईएस नाम का एक आतंकी संगठन इराक और सीरिया के अंदर जिस निर्ममता के साथ मानवता को कुचल रहा है, भारत के सब मौलाना मुंह बंद किए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आईएसआईएस के खिलाफ बोलेंगे तो वह एक प्रकार से इस्लाम के खिलाफ वक्तव्य होगा। क्या इस्लाम का